Hello everyone! Welcome back to my channel, English Field. As you all know that here we prepare for TGT, PGT, and LT grade. इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट सो हियर वी आर विद न्यू वीडियो जो हमने जॉन मिल्टन की सीरीज स्टार्ट की है उसकी क्वेश्चन सीरीज भी आपको मिल रही है रेगुलर इनफैक्ट और भी राइटर्स की मिल रही है सारा सिलेबस हम इस चैनल के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सो so दैट आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके विद ऑथेंटिक नोट्स एंड ऑथेंटिक स्टडी मटीरियल जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है तो आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जॉन मिल्टन के डिस्कस कर लिए हैं, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने देखे हैं सो नाओ विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट वर्ग्स जितने भी इनके तीन पीरियड्स में अलग अलग वर्ग्स डिवाइडेड हैं और जो एग्जाम औरिएंटेड हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं या फिर डीपली नहीं पूछा जाता है तो उसके टाइटल और डेट्स इम्पॉर्टेंट पूछ ली जाती हैं और क्या थीम है उसकी ये कुछ क्वेश्चन होते हैं इम्पॉर्टेंट जो कि आपको सिलेबस में कवर करने ज़रूरी होते हैं और वो सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं होता है कि यहाँ से आएगा ओनली जॉन मिल्टन इज गिवेन इन योर सिलेबस सो तीनों पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सारे हम स्टडी करेंगे डीपली जो पॉइंट्स आते हैं उनको डीपली स्टडी करेंगे बाकी उनकी डेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो और उनके सब टाइटल्स एंड टाइटल्स सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से वर्क्स उनके आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सो द फर्स्ट इज़ ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट सिक्सटीन ट्वेंटी एट ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर एंड एक वर्क है सिक्सटीन ट्वेंटी एट में उसको लिखा गया था और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आते हैं वो ये है रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ नीस एनी फिलिप्स एनी फिलिप्स के डेथ को उन्होंने मॉन किया है इसमें जो कि उनकी सिस्टर की डॉटर थी रिटर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अस्पेंसर स्पेंसर के इन्फ्लुएंस में इन्होंने लिखा था तो ये कुछ दो पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं डेट आपसे पूछी जा सकती है तो सिक्सटीन ट्वेंटी एट आपको पता होना चाहिए और किस पीरियड को ये बिलोंग करता है सो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड सिक्सटीन ट्वेंटी नाइन टू सिक्सटीन फोर्टी दीज वॉर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ एट ऑफ वेकेशन एक्सरसाइज सिक्सटीन ट्वेंटी एट ये उनका दूसरा वर्क है दिस वॉज ऑल्सो रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर इसको भी स्पेंसर के इन्फ्लुएंस में लिखा था थर्ड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी दिस इज द वेरी फेमस ऑड और इसका मीन्स आपको स्टडी करनी ही करनी चाहिए इससे क्वेश्चन आते हैं और दिस ओट इज द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ मिल्टन इस ऑर्ड को ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है ही रोट इट वेन ही वॉज ट्वेंटी वन ईयर्स कौन सी एज में उन्होंने लिखा था सो ही वॉज ट्वेंटी वन वेन ही रोटेड एज पूछ ली जाती है ओकेजन पूछ लिया जाता है ऑन क्रिसमस डे ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर सिक्सटीन ट्वेंटी नाइन क्रिसमस डे आपको पता है ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर को होता है दिस पोएम सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ये इसका मेन थीम uh, है कि ये क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करती है इट इज़ रिकार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंगवेस्ट लिरिक्स इन इंग्लिश ठीक है वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विस्ट लिरिक्स कौन सा है मिल्टन का अगर ऑप्शन में आपको दिया रहता है ओड तो ये वाला ओड पे आपको टिक करना है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी डेट है इसकी 1629 एज में 21 इयर्स के थे तब उन्होंने लिखा था 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हुए लिखा था वन ऑफ द डिस्टिंग्विस्ट लिरिक है उनका ये कुछ क्वेश्चन हैं और ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट फ्रेंड सिक्सटीन एट अ वेकेशन एक्सरसाइज सिक्सटीन ट्वेंटी एट तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके जो पूछे जा सकते हैं नाउ सम अदर वर्क द पैशन सिक्सटीन थर्टी ऑन शेक्सपियर सिक्सटीन थर्टी सॉन्ग ऑफ मे मॉर्निंग सिक्सटीन थर्टी एंड एपी टै ऑन द मार्चर्स ऑफ विंचेस्टर सिक्सटीन थर्टी वन ऑन द यूनिवर्सिटी करियर अनदर ऑन द सेम सिक्सटीन थर्टी वन ये सब सिक्सटीन थर्टी वन में है टू द नाइटिंग ये सोनेट है सिक्सटीन थर्टी वन और अराइविंग एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री ये एक सोनेट है और इम्पॉर्टेंट है पूछ लिया जाता है इसकी भी डेट है सिक्सटीन थर्टी वन एल एलेग्रो एल पंसरोसो ये दो तो पोएम है सिक्सटीन थर्टी वन टू सिक्सटीन थर्टी थ्री दीज आर द ट्विन्स पोएम ये दोनों ट्विन्स पोएम हैं इनके डिटेलिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स मैं आपको दूसरा वीडियो जो मिलेगा उसमें वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए रहेंगे और इन दोनों से क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आते हैं इल पेंसरोसो से ये जो ट्विन्स पोएम है और ट्विन्स पोएम ये क्यों है ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से फ्रेम होते हैं तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी हमने बात की उन इम्पॉर्टेंट वर्क्स की जो इसमें आते हैं बाकी और भी है कॉमर्स लाइसिडास like तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो देखने को मिलेंगे तो आप ज़रूर देखें छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो मैं आप पोस्ट कर रही हूँ सो दैट इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक साथ आप भी मगअप हो जाते हो कि ये चीज़ें हैं क्या कन्फ्यूज हो जाते हो आपकी ये सारी पॉइंट्स आखिर हैं क्या किससे रिलेट करें स्पेशली अगर हम बिगनर्स की बात करें तो सो so, वीडियोज़ आपको छोटे छोटे मिलेंगे बट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डाउनलोड इट एंड मेक योर ओन नोट्स सेल्फ वर्क करना बिल्कुल ना भूलें और सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करना बिल्कुल ना भूलें इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू चाहे आपको कहीं से नोट्स मिल जाए चाहे कोचिंग ट्यूशन कुछ भी मिल जाए बट सेल्फ वर्क इज सेल्फ वर्क वो जितना आपको बेनिफिट देगा उतना कोई भी नहीं देगा सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और अभी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जॉन मिल्टन की इनके सारे वर्क्स कवर करेंगे प्ले लिस्ट में जाके जॉन मिल्टन की आप देख सकते हैं थैंक यू सो मच ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे थैंक यू सो मच